If you want, then I'll be soon. Believe him, baby, let me down slow. तो आ चुके हैं कमाल का लिरिक्स ग्लो वीडियो एडिटिंग में। तो फ्रेंड, आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं जो कि अंग्रेजी एक्स सॉन्ग है, जो कि लोफी सॉन्ग है, तो आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का वीडियो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वाला वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा, तभी जान पाइएगा इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जानते हैं इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर है ना फर्स्ट टाइम आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ बिट्टू, आप देख रहे हैं बिट्टू की टेक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहले तो एलाइट मोशन ओपन करते हैं, बाद में पता चल जाएगा क्या क्या जरूरत पड़ता है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो एलाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन हो जाने का प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट में बीट मार्क प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि सॉन्ग का है, जो अंग्रेजी सॉन्ग का है, वो छोटा छोटा लिरिक्स है उसको आपको ऐड करना। देखिए यहाँ तक है, तो 6 लाइन नंबर तक यहाँ तक है अंग्रेजी सॉन्ग, तो जो है यहाँ पे तक है, तो इसके बाद जो है हिंदी सॉन्ग है। तो उसके बाद यहाँ जो छोटा छोटा है इसको दो लेयर से जूम कर लीजिए, उसके एटेक्स पे जाइए। एटेक्स पे जाने के जो है आपको चल जाना आपको लिरिक्स लिखना, तो आपको जो भी आपका अंग्रेजी छोटा सा सॉन्ग होगा, छोटा सा लिरिक्स है, वो लिख लीजिएगा। तो उसके बाद जो है इसको बीचों बीच कर लीजिए। बीचों बीच करने के बाद जो इसका जो है जो भी हमें फॉन्ट यूज किया हूँ तो उसको सेलेक्ट कर लेते हो। ये वाला फॉन्ट है जो कि हमें यूज किया हूँ तो उसको आपको इम्पोर्ट करना, जो भी फॉन्ट मैंने यूज करूँगा तो उसको बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँगा, जो भी जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके प्रोवाइड कर देंगे। फोन सेलेक्ट करने के बाद जो है इस पर डन कीजिए। डन करने के कलर पे जाइए, ब्लैक जो वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। वाइट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो हम सेलेक्ट इसको जूम करके बड़ा कर लीजिए। उसके बाद एटैक दीजिए जो हम जो भी लिरिक्स मेरा है वो गलत लिख दीजिए। तो ये लिरिक्स है तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो बहुत ज़्यादा प्ले क्यों हो रहा है, तो ये लिरिक्स यहाँ तक है, इसको जो है पीछे का पार्ट कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो है आपको जो है सीसी को सला डुप्लीकेट कर लेना, तो पहले डुप्लीकेट छोड़िए, आपको सीधा बेक आना। बेक आने के बाद प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, तो इंपोर्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट को जो कि ये वाला प्रोजेक्ट है। इसको इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको सीधा यहाँ सीधा अगर लेयर चाहते हैं तो लेयर भी करके एडिट कर सकते हो। सीधा हम लेयर को कॉपी करते हैं, वो लेयर डिलीट कर देंगे, तो इसको लेयर को कॉपी करते हैं। लेयर को कॉपी करने के बाद सीधा इसमें जाके वो वाला जो है वो इसको डिलीट करते हैं, फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। उसको यहाँ पे चलो डिलीट हो, डिलीट कर देते हैं। इसके यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, तो इस पर टैप करते हैं, पेस्ट हो गया। पेस्ट हो गया, देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहीं वही प्रोसेस आगे रखने का, जो बीट बाय बीट को पेस्ट करते हुए लिख लेना, जहाँ भी बीट है अगर बड़ा हो रहा है इस पर टाइप करके मीटर पर जाके छोटा कर लीजिएगा। दोनों को जो है लेयर है छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद सीधा थर्ड लिखने के लिए इसी प्रोसेस आपको जो भी आपका लिरिक्स जो बोल रहा है उसका फुल प्रोजेक्ट आपको इनपुट कर दूंगा, जाके पासवर्ड है लेकिन जाके देख सकते हो। तो पासवर्ड है इसलिए वीडियो को बिना स्क्रिप किए देखिएगा, तभी प्रोजेक्ट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसलिए बिना स्क्रिप किए वीडियो को देखना है। तो इसके बाद जो छोटा बड़ा है उसको मीटर वाला जाके एडजस्ट कर लीजिएगा, इसी तरह का एडजस्ट कर लीजिएगा। 6 सेकेंड तक आ जाना है आपको अंग्रेजी सॉन्ग को टाइप कर लेना है, 6 सेकेंड तक जो कि यहाँ पे है 6.22 यहाँ सेकेंड तक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हिंदी सॉन्ग है वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यही सॉन्ग पर बनाना चाहते हैं तभी कीजिएगा, अदरवाइज दूसरे सॉन्ग को बनाइएगा तो अपने अनुसार से एडिट कीजिएगा, आपको बता देते। उसका सिर्फ बेक आइएगा, प्रोजेक्ट मिलेगा। तो सेकेंड जो अंग्रेजी सॉन्ग का तो प्रोजेक्ट मिल गया एक लिरिक्स, आप सेकेंड आपको हिंदी सॉन्ग का जो है लिरिक्स मिलेगा। जो 6 सेकेंड पे आ जाते हैं जहाँ से हमें यहाँ से, तो इसको ये लेयर हम कॉपी कर लेते हैं, जो ये लेयर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो लेयर कॉपी करने के बाद जो है इसमें अरे यार नीचे कहा जा रहा है, इस पर कुछ जाते हैं, उस पर इस पर टाइप करते हैं कॉपी लेयर करते हैं। कॉपी लेयर का सिर्फ बेक आ जाना, तो वही प्रोजेक्ट में चल जाना है जो कि 6 सेकेंड के आसपास जो है, जो अभी जो अंग्रेजी सॉन्ग की जगह हिंदी सॉन्ग जो आएगा उस पर टाइप कीजिए, उसका पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसका जो है आप इस पर टाइप कीजिए, टेक्स्ट पे जाइए। उसके बाद ये वाला फॉन्ट को प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर फॉन्ट वाला वीडियो देखें तो उसमें 40+ फॉन्ट दिया हूँ, जाके देखो एकदम कमाल का फॉन्ट है, जाके देखिए एंड स्क्रीन पर मिलेगा, जाके देखिए। देखिए ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया जा रही, तो ये फॉन्ट चूज कर लिया, देखो इस तरह से हो गया सारा इफेक्ट। उसके बाद जो है सेकेंड लिखने के लिए आपको यहाँ से अगर जहाँ तक सॉन्ग है कॉपी कीजिए, उसके बाद यहाँ से हल्का सा गैप में यहाँ से
यहाँ पे टैप करके पेस्ट कर दीजिएगा, सीधा आगे फिर से इसको एडिट कर लीजिएगा, जो भी आपका लिरिक्स है उसका एडिट कर लीजिए, उसका फिर से आगे जाके यहाँ से आपको पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दीजिए, फिर आगे जाके पेस्ट करते हुए हल्का सा बिग गैप में दीजिएगा, उसके बाद तब नहीं एडिट होगा कैप कट एप्लीकेशन से। उसके बाद इसी प्रोसेस से एंड तक कर लेना, शेयर पर जाके एक्सपोर्ट कर लीजिए। चलिए कैप कट को ओपन कर लेते हैं। कैप कट ओपन करने के पहले VPN कनेक्ट कर लेना, जो कि बहुत ज़्यादा अपडेट भी आया है कैप कट में, तो पहले VPN को कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो फिर VPN कनेक्ट करना है, कैप कट को ओपन कर लेना, तो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद है उसके बाद प्लस पे टैप कर लेना, प्रोजेक्ट पर ले लेना, उसके बाद जो भी वीडियो अभी ताज़ा से बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर मेरा ये वाला वीडियो है, इसको सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपको हाइड कर दिया हूँ तो नहीं दिखाई देगा। तो वीडियो कौन सा है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ समय कंप्रेसिंग लेगा तो 100% होने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। या एड हो जाएगा, एन स्क्रीन पर आ जाना, उसके बाद इसका ब्लैक स्क्रीन डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद जो है आपको इसको दो फिंगर से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद जो है इसका सीधा आपको 6 सेकंड पे आ जाना, 6 सेकंड पे आ जाना, जहाँ से आपका अंग्रेजी सॉन्ग का हिंदी सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अंग्रेजी सॉन्ग कहाँ पर आपको खत्म हो रहा है, जैसे मतलब हिंदी सॉन्ग यहाँ पर आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर टाइप कर लेना। उसके बाद स्प्लिट करते, स्प्लिट करने के बाद आपका ये सॉन्ग है, जिससे मान लेते ये वाला अंग्रेजी हिंदी सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग कहाँ पर लेयर है वहीं से कट करेंगे, उसी को कट करेंगे, बाकी अंग्रेजी सॉन्ग को छोड़ देंगे। स्प्लिट करते फिर आगे अगला जो हिंदी सॉन्ग है ये वाला सिग्नेचर फॉन्ट वाला, इसको इस पर टैप करके इसको स्प्लिट कर लेते, सारे को इसी प्रोसेस से स्प्लिट कर लीजिएगा। कैसे मैं स्प्लिट करूँ, जो कि अंग्रेजी सॉन्ग को छोड़ दिया हूँ, देखिए यहाँ तक है अंग्रेजी सॉन्ग आपको छोड़ दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से जो है हिंदी सॉन्ग स्टार्ट होता है, सिग्नेचर जो फॉन्ट है, देखिए इसी को कट किया हूँ। तो उसके बाद इस पर इफेक्ट लगाएंगे, इस पर लगाने के लिए इस पर टैप कर लेना, इस पर टैप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चल जाना एनिमेशन पे, एनिमेशन पे चल जाना, कॉम्बो पे, कॉम्बो पे चल जाना, इसका स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद जो यहाँ पे मिलेगा आपको जो भी इफेक्ट लगाऊंगा मैं इसको बता दूंगा कौन सा इफेक्ट है, तो सीधा हम इस इफेक्ट को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ये वाला इफेक्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्प्लिट अप एंड ऐसे नाम है, इसको सेलेक्ट करते हैं। डाउन टू है इसका स्प्लिट अप एंड डाउन, ये है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीधा सेकेंड वाला इसको फिर रोक लेंगे, फिर से आपको इसको सेकेंड में भी यही इफेक्ट को ऐड कर लेना, फिर थर्ड में जाके टैप कीजिएगा, फिर हल्का यहाँ पे टैप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे टैप कीजिए, फिर यहाँ पकड़ लीजिएगा क्योंकि भाग जाएगा। इसके लिए फिर स्प्लिट डाउन टू को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये टू नंबर वाला इसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाला। उसके बाद इसी प्रोसेस आपको एंड तक इस जो है आपको जो भी कट कीजिएगा, जितना भी आपका 10 पार्ट 12 पार्ट जो भी होगा कट करके आपको इसी पे से एक ही इफेक्ट लगाना है, लगा के उसको शेयर करके एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने का चलिए नोट वीडियो में चलते हैं, नोट वीडियो को ओपन कर लेते हैं। तो नोट वीडियो कहाँ पर है ओपन कर लेते हैं, जो भी जहाँ भी नोट वीडियो है वहाँ पर हम जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे चले जाना, प्लस पे टाइप कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका रेशियो होगा एलाइट मोशन या कैप कट एप्लीकेशन का उसको सेलेक्ट करना है, 9:16 था उसको सेलेक्ट करते हैं। प्लस पे टाइप करते हैं, मीडिया पर जाते हैं, उसके बाद वीडियो पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एलाइट मोशन या कैप कट, सॉरी कैप कट जो अभी वीडियो बनाए थे उस वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, उस वाले वीडियो कहाँ पर है तो उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मिल जाओ कहाँ पर है, मिल जा इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीधा जाते हैं, प्लस पे टाइप करते हैं, यहाँ पे ग्लो लिखते हैं, नीचे होगा प्लस अपेट है, सीधा ग्लो करते हैं, ग्लो इसकी सेलेक्ट करते हैं, ग्लो को सिर्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसका कलर जो है जो आपका जो 6 सेकेंड के आसपास आ जाना है, 6 सेकेंड कहाँ पर है तो जैसे मेरा 6 सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है 6 सेकेंड यहाँ पे, इस पर टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे की देना है, उसके बाद फिर से एक पहले हल्का से यहाँ पे जाके की देना, की देने के बाद जो है इस पहले की को जाके रेड कलर कर लेना है। अगर भाई अगर इसमें अगर दूसरा कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हो, अगर यहाँ पे जमा लेते हो वाइट की जगह हम स्काई ब्लू देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। उसके बाद इसको भी हल्का सा इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, देखिए इसी तरह का आपको बता दिए कैसे बनाते हैं इस तरह का वीडियो। उसके बाद इस पर स्क्रॉल करके हल्का सा कर दीजिएगा, इसको इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, 4.1 कर दीजिए, उसका शेयर करके एक्सपोर्ट कर दीजिए।